जानिए शादी के बाद कितने होंगे आपके बच्चे। अक्सर शादी के बाद दंपत्ति के मन में सवाल रहता है अपनी आने वाली संतान को लेकर। वहीं एक महिला शादी के बाद कितने बच्चों की मां बनेगी, ये कई बार उसकी राशि पर भी निर्भर करता है। राशि के अनुसार प्रत्येक महिला के कितने बच्चे होंगे इसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। कितने बच्चों की मां बनेंगी आप। मेष, कन्या, धनु और कुंभ राशि की अधिकतर महिलाएं एक ही बच्चे की मां बनती हैं। इसका कारण इनका स्वभाव भी होता है। इन राशि वाली महिलाओं को घूमना फिरना पसंद होता है, इसीलिए ये बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाती हैं। ये एक बच्चा संभालने इनके लिए यही काफी है। वृष, मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि की महिलाएं दो बच्चों तक सीमित रहती है। अक्सर इस राशि की महिलाएं दो बच्चों के बारे में सोचती हैं और शादी के बाद इनके ज्यादातर दो बच्चे होते हैं। वहीं कई बार तो इनके दो जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं। मकर राशि की महिलाओं के राशि के हिसाब से शादी के बाद इन्हें तीन बच्चे होते हैं, जबकि अंत में सिंह, तुला और मीन राशि की महिलाओं के दो या चार बच्चे होते हैं। इन महिलाओं को बच्चों से बहुत प्यार मिलता है, यही वजह है कि इन्हें संतान सुख भी अधिक मिलता है।